नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा 17 जनवरी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र भट्ट ने चुनाव ड्यूटी पर भर्ती होने पर मृतक कर्मी के परिजनों को 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं आपको बता दें कि राज्य सेवा एवं पेंशन नियम के प्रावधान के तहत ये राशि स्वीकृत करते हुए मृतक कर्मी की पत्नी को बैंक खाते से सीधी ट्रांसफर की गई है। रतनलाल जी बुनकर जो APO 3 अभी चुनाव कार्य में लगे हुए थे और पंचायत समिति कोटड़ा के गांव में तृतीय श्रेणी के अध्यापक थे, उनकी आज सुबह अपने ड्यूटी करते वक्त आकस्मिक उनका निधन हो गया। सारा उनके जो बड़े भाई हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ आए हैं। बड़े दुख का विषय है, पूरा प्रशासन संवेदना प्रकट करता है और साथ ही जो राजस्थान सेवा नियम 1966 पेंशन सेवा नियम 1966 की धारा 72(2) के तहत 20 लाख का उनको जो चेक था वो इनके परिजनों को उसकी कॉपी दे दी है। सीधा का सीधा पैसा उनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और इनको अनुकंपा नियुक्ति के जो रूल्स हैं उनके बारे में भी बताया है। रतनलाल जी बुनकर, उनकी उम्र 35-36 साल ही थी और उनके दो छोटे बच्चे हैं और जो उनकी वाइफ हैं वो BEd किया हुआ है और अभी किसी सेवा में, राजकीय सेवा में नहीं है। रूल्स इनको बता दिए गए हैं और पूरे प्रशासन, पूरा हमारा चुनाव की जो पूरी टीम है अपनी संवेदना देती है और बहुत अच्छा कार्य करते थे और अच्छे कार्य चुनाव के कार्य में करते करते उनकी ये हृदय गति रुक जाने से एकदम हार्ट अटैक हुआ और अभी हॉस्पिटल परिसर में ही उनके परिजन आए हैं। चोमू के पास के रहने वाले हैं और जो प्रशासन से जितनी पूरी मदद हो सकेगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। तो ये सर प्रशासन ने भी संवेदना प्रकट की है सर जी। हाँ, कुछ नहीं कह सकते इसके मामले में, हमने कुछ देखा ही नहीं। आप हम क्या बताया, तो आपके ब्रदर थे सर? हमारे बड़े भाई थे वो। कितने लड़के लड़की थे? क्या? एक लड़का एक लड़की। तो यहाँ कब से नौकरी कर रहे हैं सर भीलवाड़े? दो साल ड्यूटी में लगे। इलेक्शन ड्यूटी में यहाँ आते हैं, रात को निकल आए हैं, रात के मतलब ये सारी हो गए। आपको इसकी सूचना कब मिली? सुबह 3-4। तो कितने बच्चे बच्ची हैं इनके? दो, एक बच्चा एक बच्ची। पत्नी क्या करती है? वाइफ रहती है, BEd की है। तो प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने भी अभी संवेदना प्रकट की सर? हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई जो 90 दिन में जो मतलब केस है इनका वो जो करेंगे। 20 लाख का चेक किया जो है ट्रांसफर हो जाएगा या हो गया होगा। आपका नाम? देशराज बुनकर।